दो दिवसीय गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। युवाओं को जोड़ने के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि भगवान परशुराम के दिखाए मार्ग पर चलते हुए योगी उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। सरकार ने सभी वर्ग को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देने का काम किया है तथा आगामी 7 महीनों में प्रदेश में चुनाव होना है। भाजपा दूसरी बार नौजवानों के सहयोग से 350 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएंगी। उन्होंने सपा और बसपा के ब्राह्मण प्रेम को छलावा करार दिया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की अभी प्रदेश की टीम घोषित हुई है। आने वाले हफ्ते भर में सारे क्षेत्रों की टीम की घोषणा होनी है और नए जिलाध्यक्षों से लेकर नीचे तक नया गठन होना है। तो उसी संबंध में, क्योंकि मैं मध्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी पूर्वांचल और पश्चिम के सब कार्यकर्ताओं से मिलना हो, उसी के नाते यहाँ आना हुआ था। और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 का आंकड़ा छूने वाली है, उसी की तैयारियों के संबंध में आना हुआ। सभी बहुत उत्साहित हैं जैसा काम योगी जी कर रहे हैं, विशेषकर नौजवानों के लिए। पिछली सरकार जो नौकरी देती थी वो केवल एक आध जिले और एक वर्ग विशेष को देती थी, हमारी सरकार ने पारदर्शी रूप से पूरे प्रदेश के युवाओं को लाखों नौकरियां दी हैं। हर योग्य नौजवान उसको नौकरी देने का काम किया है। व्यवसायी भी उत्साहित हैं कि पुरानी सरकार में जो गुंडे हावी थे उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई है और एक निश्चल भाव से व्यापारी व्यवसाय कर पा रहा है। नहीं, अच्छी संख्या में नौजवान आएंगे और मेरा तो ये तक मानना है, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो नौजवान यदि किसी सीनियर के मुकाबले टिकट मांग रहा होगा तो उसके 20 में से अगर 19 एक नंबर कम भी होगा तो उसको प्राथमिकता के आधार पर टिकट देने काम पार्टी करने वाली है। हाँ, नौजवानों को अवसर मिलेगा, पूरे प्रदेश में अच्छी संख्या में नौजवान आएंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी मुझको लगता है कि जैसे हमने कहा है कि हम तो 350 के आसपास लड़ेंगे, तो बची हुई सीटों के लिए लड़ाई लड़ रही है। साइकिल वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो साइकिल पंचर है, उसकी हवा निकली हुई है, कोई दम नहीं। अब वो उनका अपना कार्यक्रम है, वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोई जो संगठन उनका ठंडा बैठा है उसमें दम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा। देखिए, ब्राह्मण वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग है, राष्ट्रहित की चिंता करते हुए पूरा ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेगा और पूरे ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी को अब ब्राह्मणों की याद आ रही है, जब उनकी सरकार थी, मैं मध्य उत्तर प्रदेश से आता हूँ, फरुखाबाद, एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, इन जनपदों में जाने कितने ब्राह्मणों की हत्याएं लोगों ने करवाई हैं। हमारे सांसद सुब्रत पाठक जी को जेल में डाला, जाने कितने नौजवानों की जो विरोधी पार्टी के थे उनके सर कटवाने काम किया, तो ये लोग इसकी बात ना करें। और मायावती जब उनकी सरकार थी तो SC ST के नाम पर पूरे प्रदेश में अन्य जाति के लोगों का उत्पीड़न किया गया, तिलक तराजू तलवार इनके मारो जूते चार इनके नारे देते थे। और मायावती जिस परिवार ने उनकी जान बचाई थी, स्वर्गीय बृंदा द्विवेदी, उनको भूल गई, उनके बेटे को जो है पार्टी से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। मैं उनका भतीजा हूँ, उन पर मुझ पर राजकुआ लगाकर 7 महीने से अधिक समय जेल में रखा और बाद में सपा से ही समझौता कर लिया जिन लोगों ने उनकी हत्या का प्रयास किया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इनके समर्थन आने, नहीं, पूरी तरह भ्रम है। भ्रम पहले भी दूर हुआ है और इस बार पूरी तरह उनका भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा चुनाव के नतीजे के बाद। नौजवान पूरी तरह उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारी मात्रा में नौजवान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने वाला है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, वैक्सीनेशन ड्राइव अभी युवा मोर्चा ने ली थी और बड़ी मात्रा में लोगों को जागरूक करके वैक्सीनेशन करने का प्रयास किया था। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करके हम लोग कोरोना पर रोकथाम लगाने में कर सकते हैं।